हम तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते सारे, मगर अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तानियाज जर्नल। थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव। जो मैंने रेसिपी वाला वीडियो डाला था झाल चिंगड़ी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसमें लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो एंड यू कैन ट्राई इट आउट। इट इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ कुकिंग। टुडे इज अ डिफरेंट डे एंड आई विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। आज मेकअप का दिन है तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आज एक कैजुअल डे लुक कम नाइट लुक करने वाली हूँ। मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, तो आई एम पुटिंग मॉइस्चराइजर, सेकेंड आई एम पुटिंग प्राइमर स्पेशली ऑन टी जोन, थर्ड फाउंडेशन। मैं जनरली दो फाउंडेशन मिक्स करना पसंद करती हूँ, एक लाइटर शेड एक डार्क शेड। ये मेरा हाइलाइटर है जो मुझे एक इंस्टेंट ग्लो देगा। तीनों को मैं अच्छी तरीके से एक साथ ही ब्लेंड करने वाली हूँ फेस के ऊपर। ब्लेंडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फाउंडेशन को जब तक आप अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका स्किन क्लियर फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। नेक और ईयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने देखा मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, अभी टाइम है इसको सेट करने के लिए। तो मैं अपना कॉम्पैक्ट से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लूंगी। सो अभी मैं अपना अंडर आई एंड टी जोन कंसील करने वाली हूँ। अगर आपका डार्क सर्कल्स ज़्यादा है आपको कलर करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। मैं जनरली कंसीलर के साथ कॉन्टूरिंग भी कर लेती हूँ। कॉन्टूर के लिए नोज, चिक बोन्स, जॉ लाइन एंड फोरहेड पे मैं डार्क कलर दे रही हूँ। नाउ डैब 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 डैब। आप अगर ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो वो पैची लुक दिखाई देगा आपके फेस पे। जैसे आपने देखा बहुत इजीली मैंने ब्लेंड कर लिया है, अभी मैं इसको फिर से सेट करने वाली हूँ। मैं इधर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो रोज़ पाउडर या लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट कॉन्टूर पैलेट है, इससे मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं आई शेडो के जैसे यूज़ करती हूँ, मैं हाइलाइटर के जैसे यूज़ करती हूँ, मैं कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे पाउडर कॉन्टूर ज़्यादा पसंद है क्रीमी कॉन्टूर से, बट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विथ क्रीमी कॉन्टूर गो अहेड। सो आई मेकअप के लिए पहले मैं एक बेस क्रिएट कर ले रही हूँ। आई एम यूजिंग अ बेज कलर, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने आई लिड पे। आई मेकअप इज माई फेवरेट पार्ट, जहाँ मैं कलर्स के साथ खेल सकती हूँ। आई एम यूजिंग अ रोजी पिंक कलर एट माई क्रीज। क्रीज लाइन को और प्रोमिनेंट करने के लिए मैं एक ब्राउन शेड डाल रही हूँ। सेम कलर मेरा लोअर लैश लाइन में भी डाल रही हूँ।
नाउ इज द फन पार्ट। मैं ब्लू से मोनोक्रोम आई शैडो करने वाली हूँ। आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड, मैं जब भी कुछ प्लान करती हूँ कि आज मैं ऐसा लुक करने वाली हूँ, उस दिन मैं कुछ और ही करने लग जाती हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ, मोनोक्रोम आई शैडो विद अ विंग। लेट्स सी हाउ इट गोज। मुझे मेरे नेचुरल आईब्रोज बहुत पसंद है, तो जितना फिल इन करना है उतना ही मैं कर रही हूँ। अभी मस्कारा टाइम। फेवरेट कॉन्टूर पैलेट से मैं अभी हाईलाइट करना शुरू करूंगी, नोज ऑफ द ब्रिज, लिप्स के ऊपर। उसका जो डार्क ब्राउन शेड है उससे मैं नोज के साइड में, नोज को थिन करने के लिए डार्क कलर्स दे रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट इनमें से खरीदना है, यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट, आई विल मेंशन यू द नेम्स। मैं डिटेल में मेरा प्रोडक्ट्स का भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं दुबई से आई हूँ, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मेरा दुबई से है। इंडियन मार्केट से अभी मैंने कुछ खरीदा नहीं है। फॉल्स लैशेस लगाना बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कैसे करना है, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं फिर एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगी। माई लुक इज ऑलमोस्ट डन, अनदर राउंड ऑफ मस्कारा सो दैट मेरा लैशेज एंड मेरा फॉल्स लैशेज दोनों मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। ये हाइलाइटर है वाइट कलर का, ये मैं कॉर्नर ऑफ द आई में डालूंगी सो दैट इट गिव्स अ पॉप टू माय आई एंड माय आई मेकअप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, लास्ट फिनिशिंग टच इज माय लिपस्टिक एंड विद दैट द लिप लाइनर। मैंने आईज को इसमें प्रोमिनेंट रखा है एंड आई हैव केप्ट माय लिप्स वेरी न्यूड। तो ये बहुत ही प्रिटी कलर है, न्यूड ब्राउन कलर का। इट्स अ सीक्रेट, दिस इज माय वे। जनरली आई पुट पाउडर हाइलाइटर ऑन टॉप ऑफ माय लिपस्टिक टू कीप माय लिपस्टिक स्टे लॉन्गर। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इट केम आउट रियली वेल, व्हाट डू यू थिंक? सो द फाइनल टच, थोड़ा सा पिंकी इफेक्ट देने के लिए मैं ब्लश दे रही हूँ। आई एम डन, इजंट इट लुकिंग कूल? डू यू लाइक द प्रोसेस? अगर आपको ऐसे तरीके का मेकअप वीडियोस और देखना है प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। टिल देन एंजॉय। Stay beautiful, stay confident, be happy, love yourself.